ऐसी वीडियो बनी है कि मैं पुराने सॉन्ग पे वीडियो बनाती हूँ। जी 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 हमेशा मेरा पुराना सॉन्ग रहता है और जो कि लोगों को बहुत पसंद आता है सर। हाँ 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 तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। ये वीडियो आप लोगों ने जरूर हर हाउसवाइफ के लिए मुश्किल होता है, जी 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 लेकिन उस चीज को आसान तब कर देते हैं जब हस्बैंड साथ हो, बिल्कुल बिल्कुल, फैमिली साथ हो पूरे। फैमिली साथ हो पूरी। नमस्कार दोस्तों, मैं जय अजमेरा, अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ अजमेरा फैशन के इस YouTube चैनल में, आपके अपने YouTube चैनल अजमेरा फैशन में। दोस्तों आज हमारे साथ एक फैमिली है जो नेपाल से यहाँ आए हैं स्पेशली अजमेरा फैशन के लिए, और मैं आप लोगों को उनका परिचय करवाऊंगा। शायद वो परिचय के तो मोहताज नहीं है। मैं सबसे पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ है, एक वीडियो नहीं बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए हैं, लेकिन मेरे को जो वीडियो देखने को मिला था, मुझे जो बहुत अच्छा लगा था, वो वीडियो मैं एक बार आपको चला के बताना चाहूंगा। शायद आपने भी 100% कहीं ना कहीं जरूर उस वीडियो को देखा होगा। मैं ये दिखाना चाहता हूँ आप लोग को। ये वीडियो आप लोगों ने जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा, आपके पास किसी ने व्हाट्सएप पे भेजा होगा, या फिर आपके पास इंस्टाग्राम पे किसी ने भेजा होगा, कहीं ना कहीं से ये वीडियो आप लोगों तक घूम के आया होगा। तो हम स्वागत करते हैं रिंकू जी झा का और उनकी फैमिली का, जो आज हमारे साथ यहाँ पे हैं। उनके दोनों बेटे भी साथ में यहाँ पे हैं। एक बार मैं हमारे डायरेक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वो उन दोनों को भी हमें दिखाए। वो थोड़ा शाही हैं, शर्माते हैं, बोले हम कैमरे में नहीं आते। छोटे वाले को तो मैं देखता हूँ, कई बार कैमरे में आते हैं वो। तो रिंकू जी बहुत बहुत वेलकम है आपका, बहुत बहुत स्वागत है अजमेरा फैशन में। आप दूसरी बार आए हैं, पहली बार हम किसी कारणवश वीडियो आपके साथ नहीं बना पाए थे, लेकिन आपने हमारे साथ वीडियो बनाया था, अपने चैनल पे आपने डाला था, उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। सर हैं साथ में हमारे, सर प्लीज आप अपना परिचय दीजिए। देखिए बुरा नहीं लगाइएगा, मैम तो बहुत प्रसिद्ध है भाई, इनको तो सारी दुनिया जानती है, सब लोग जानते हैं, लेकिन सब आप ही की बदौलत है। आप इतना कोऑपरेट करते हैं, आप इतना इनको इंडिया लेके आए हैं, स्पेशली इनके चैनल के लिए ही आप वीडियोस वगैरह बनवाने के लिए आप साथ में सब लोग आए हैं, तो पूरी फैमिली का सपोर्ट होना एक लेडीज के साथ बहुत जरूरी होता है, नहीं तो उसके बगैर वो लेडीज कर नहीं पाती है कोई भी काम। तो उस सपोर्ट के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, मैम की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी। आप इनको लेके आए हमारे यहाँ, थोड़ा सा अपना परिचय प्लीज हमें दीजिए, हमारे व्यूअर्स को। मेरा नाम श्रवण झा, मैं जनकपुर में रहता हूँ और एज इंग्लिश टीचर के रूप में राजर्षि कैंपस है उसमें मैं काम करता हूँ। हाँ सर टीचर हैं और इंग्लिश टीचर हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं। मैंने भी सर से रिक्वेस्ट करी है, मेरी इंग्लिश थोड़ी थोड़ी क्या पूरी कमजोर है, मुझे भी इंग्लिश सीखनी है, तो मेरी इस हेल्प कीजिएगा। सर हेल्प करने में बहुत 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 मैं धन्यवाद बोलूंगा इनको, मैम को इतना सपोर्ट करते हैं। मैम हाउसवाइफ हैं, तीन बच्चे हैं इनके, एक बिटिया है देखिए छोटी सी बीच में बैठी है हमारे, मुस्कुरा रही है, एक बॉम्बे पढ़ाई कर रही है। बेटा आप क्या कर रहे हो? मैं मुंबई में पढ़ाई करती हूँ, बीकॉम फर्स्ट ईयर में। बीकॉम फर्स्ट ईयर में, कौन सा सब्जेक्ट है आपके पास? अकाउंट्स। अकाउंट्स है, तो बिटिया बॉम्बे पढ़ाई करती है और अकेली रहती है मुंबई में। सर टीचर है और सारी फैमिली इनको सपोर्ट करती है। देखिए एक हाउसवाइफ अगर सोच ले कि मुझे कुछ करना है, मैम का वीडियो मैंने दिखाया, मैम कुछ भी नहीं करती हैं, पुराने गाने के ऊपर एक अपना एक्सप्रेशंस वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाती है। और आज जितना शायद मेरे ख्याल से जो गाना मैंने आपको सुनाया है अभी, वो जो हीरोइन, मुझे पता भी नहीं है कौन सी हीरोइन थी उस गाने के अंदर, किसने वो गाना गाया था, उतना उस फिल्माए गए गाने का उतना इम्पैक्ट नहीं गिरा होगा जितना मैम ने इस गाने को जब मैम के ऊपर फिल्मा के इन्होंने दिया है। तो मैं कोई भी महिला अगर सोच ले कि मुझे कुछ करना है, तो रास्ते बहुत हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया के माध्यम से मैम अर्निंग करते हैं, तो मैम आपने कैसे ये जर्नी स्टार्ट करी, आप पहले क्या करते थे? मेरे ख्याल से
आप हाउसवाइफ थे पहले, सिर्फ घर का काम संभालते थे? सर, हाँ, हाउसवाइफ। कैसे तो आपको ये आया, जरा बताइए हमारे व्यूअर्स को। सर ये मेरे लिए थोड़ा हर हाउसवाइफ के लिए मुश्किल होता है जी, जी, जी। लेकिन उस चीज को आसान तब कर देते हैं जब हस्बैंड साथ हो। बिल्कुल बिल्कुल, फैमिली साथ हो, फैमिली साथ हो पूरी, बच्चे साथ हो आपके, तो ये सब इजी हो जाता है। बाकी जब मैं ये स्टार्ट की थी तो मैं नहीं सोची थी कि मैं इतना फेमस हो जाऊंगी सर, इतना लोग मुझे पसंद करेंगे। और मेरी हमेशा से ऐसी वीडियो बनी है कि मैं पुराने सॉन्ग पे वीडियो बनाती हूँ, हमेशा मेरा पुराना सॉन्ग रहता है और जो कि लोगों को बहुत पसंद आता है सर। तो जब ये वीडियो वायरल हुआ था तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था, मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मैं इतना वायरल हो चुकी हूँ। और मैं तो बस वीडियो बनाते गई, ये बिल्कुल नहीं सोचे कि मुझे कुछ बनना है। अच्छा। हाँ, मैं इतना मुझे फेमस होना है, मैंने कुछ नहीं सोचा था दोस्तों। अच्छा। लेकिन जब मुझे कॉल आने लगे कि अरे आप तो इंडिया में बहुत फेमस हो, मुझे बहुत खुशी होती थी सर। लेकिन मुझे फिर भी आइडिया नहीं था कि मैं सही में इतना फेमस हूँ। मैं छोटे से शहर में रह रही हूँ, हाउस वाइफ हूँ, अपना काम फिनिश करके थोड़ा टाइम मिलता है तो वीडियो बनाती हूँ सर। जी जी जी। तो ये आपने कब स्टार्ट किया था सर? ये मैंने 2019 में मैं स्टार्ट की थी। कोरोना टाइम? हाँ, कोरोना के टाइम? नहीं सर, नहीं उस टाइम कोरोना के पहले। हाँ, उसके पहले मैंने स्टार्ट किया था। ओके, तो ओके। कुछ दिन सर मैं उस वीडियो बना के प्राइवेट रखने लगी क्योंकि थोड़ा इनका भी था कि आप अभी वीडियो मत डालो, ये सब ठीक नहीं होगा। अच्छा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वीडियो बहुत अच्छे बनाते हैं, मतलब बस इतना तक का मेरा आधा वीडियो रहता है, हाफ ऊपर का, तो इनको लगा कि नहीं आपको शौक है तो आप करो, हम साथ हैं आपके। बिल्कुल बिल्कुल। सर ससुराल वाले तो थोड़ा बोले, सास ससुर कोई भी होता है, पर आप जिस तरीके से वीडियोस बनाते हैं एकदम आप मेरे ख्याल से जूम रहता है पूरा आपका और आपका चेहरा खाली उसके अंदर दिखता है और आप पुराने गाने को लिपसिंग करते हैं जी सर। हाँ। उसमें नहीं, आजकल तो वल्गरिटी इतनी फैल रखी है कि पूछिए मत बात, तो लोगों को एक डर लगता है, अपनों को डर लगता है खासकर कि यार हमारे वीडियो यही सर। तो वो मन में एक डर रहता है, लेकिन जब आपने इतना अच्छे तरीके से गानों को प्रेजेंट किया है, लोगों को इतना फेमस कर दिया है गानों को, हिंदी गानों को तो खासकर, तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो ये फर्स्ट गाना जब मेरे पास आया था कहीं से घूम फिर के वीडियो के माध्यम से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था। फिर बच्चों ने जब आपको बुलाया यहाँ पे तो मैं तो अपने आप को लकी समझता हूँ, आज मैं बैठ के आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ, एक सेलिब्रिटी है आप। तो आपका बड़ापन है सर। नहीं, तो मैं सिर्फ महिलाओं से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भी आपके मन में है उसको दबाइए मत, आप कुछ भी क्रिएटिव कीजिए। मैम को गाने अच्छे लगते थे, मैम उनके ऊपर सिर्फ लिपसिंग करके इतना फेमस हो गई है और कुछ भी इन्होंने नहीं किया, गाना पीछे चल रहा है और लिपसिंग करके आप अपने फेस को दिखा रहे हो। एक जो एक्चुअल जो अभिनय जिसको बोलते हैं, हीरो लोग क्या करते हैं, हीरोइन लोग क्या करते हैं फिल्मों के अंदर, पीछे गाने वाला कोई और होता है, क्या बोलते हैं इसको, प्लेबैक सिंगर जिसको बोलते हैं, अरिजीत सिंह होते हैं, वो सब होते हैं, गाते हैं, जो बहुत सारे सिंगर हैं हमारे यहाँ। हीरो अलग होता है, वो खाली लिपसिंग देता है उसके अंदर। तो बस वही चीज है, आप भी अपने फील्ड में जैसा भी आपको लगता है वो जो आपको अच्छा लगता है वो आपको काम करना चाहिए कहीं ना कहीं। तो मैम ने एक प्लेटफॉर्म अपने लिए तैयार किया और इतने बढ़िया ढंग से अपने आप को प्रेजेंट करके उन्होंने पूरे इंडिया में तो फेमस ही हैं, सब जगह नेपाल में भी फेमस हैं आप। आप बेसिकली इंडिया से हैं ना? जी सर, मैं इंडिया से हूं। हाँ, और आपकी शादी नेपाल में हुई है? सर नेपाल से हैं। चलिए, देखिए नेपाल और इंडिया के तो संबंध ऐसे हैं, इसको आप हस्बैंड वाइफ ही मान सकते हैं। सर मुझे इसके लिए भी बहुत खुशी मिलती है कि हमें हमारे फैन जो है ना वो हमें इंडिया की बेटी करके, कि हमारी इंडिया से बेटी है जो कि नेपाल में जाके इंडिया में पूरा धूम मचा दी। देखिए जगह परिस्थितियां ये सब कोई मायने नहीं रखती है, मायने रखता है कि आप कितना उसके लिए जज्बा रखते हो, कितना उसके लिए तैयार हो किसी भी काम को करने के लिए। तो अगर आपके भी मन में ऐसा कुछ है, और आप, मैं हमेशा महिलाओं के लिए खासकर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बोलता हूँ, हमेशा जोर देता हूँ स्पेशली कि आप सिर्फ हाउसवाइफ बन के नहीं रहिए। देखिए
ऐसे तो हाउसवाइफ का काम बहुत बड़ा काम है, हर किसी के बस की बात नहीं है। बच्चों को संभालना, परिवार को संभालना, फैमिली को संभालना, हस्बैंड को संभालना, सुबह शाम थके हुए वो हम लोग घर पे जाते हैं तो एक रिलैक्स महसूस करते हैं, तो ये सब चीजों को मेंटेन करना एक बहुत बड़ी बात है एक हाउसवाइफ के लिए। लेकिन इसके अलावा भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर एक समय आपके पास रहता है, उस समय में हम इतना चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा एक इनकम सोर्स जनरेट करें जिससे कि आपको छोटी मोटी चीज के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज एक मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि महिलाओं के लिए स्पेशली कुछ बजट नहीं बना पाते हैं, वो लोग इतना बेचारे सब लगे रहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि कुछ वो अपने लिए भी करें, साथ में फैमिली के लिए भी कुछ करें। तो अगर ऐसा कुछ भी बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो अजमेरा फैशन आपके लिए अवेलेबल है। जैसा मैम ने समय निकाला है कुछ वीडियोस बनाने के लिए या किसी भी तरीके का एक गानों को वो कंपोज करके बनाते हैं, ये कंपोज तो नहीं बोलूंगा, ये फिल्माते हैं अपने ऊपर, तो ऐसा ही कुछ अलग कुछ भी आपको करना हो। और उसमें अगर टेक्सटाइल का बिजनेस आपको इंटरेस्ट लगता है कि भाई टेक्सटाइल का बिजनेस मुझे करना है, तो अजमेरा फैशन एनी टाइम आप लोगों के सपोर्ट में रहता है। आप चाहे नेपाल से हैं या इंडिया से हैं या किसी भी कंट्री से हैं, हम 32 प्लस कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ से नेपाल भी बहुत पता जाता है। तो अगर आप कहीं से भी हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप घर बैठे बिजनेस कर सकते हैं मात्र और मात्र 25-30 हजार रुपए के अंदर। तो अगर ऐसा कुछ भी हमारी किसी बहन के, हमारी किसी माता जी के या किसी के भी ऐसा मन में अगर कोई है कि हमें बिजनेस करना है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, एक कॉल कीजिए, हमारी टीम आपको पूरी तरीके से गाइड करेगी, आपको समझाएगी कि किस तरीके से आप इस बिजनेस को घर बैठे स्टार्ट कर सकते हैं। और ये हम महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात है। और फिर से मैं सर का, मैम का, बिटिया का, बच्चों का, दोनों का धन्यवाद करता हूँ, आप आए इतना समय निकाल के और हमारे व्यूवर्स को एक प्रेरणा मिली है आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आपने बात पहुंचाई है हमारी, उसके लिए तो धन्यवाद रही है। हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक एक प्रेरणा आपके माध्यम से पहुंची है कि भाई कुछ करना चाहिए हमें भी, जब रिंकू झा कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो दोस्तों अगर कुछ भी ऐसा मन में है तो एक कॉल कीजिए, हमारी टीम आपको पूरी तरीके से गाइड करेगी और आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। इसी मंगल कामना के साथ आज के इस वीडियो को यही विराम देते हैं, फिर मिलेंगे किसी रिंकू झा जैसे नए सेलिब्रिटी के साथ नए एपिसोड में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, पहली बार अगर वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, और मैम का भी चैनल है रिंकू झा, यूट्यूब पे भी है ना? हाँ, यूट्यूब पे भी है रिंकू झा के नाम से, और इंस्टाग्राम पे भी है रिंकू झा। टिकटॉक इंडिया में चलता नहीं है, नेपाल में बहुत जबरदस्त चलता है, नेपाल में बहुत सारे फैन है, एक एक वीडियो को लाखों की तादाद में लोग देखते हैं मैम के, तो वहां पे टिकटॉक अभी भी चल रहा है। तो अगर वहां पे नेपाल से अगर आप है तो टिकटॉक पे मैम को फॉलो कीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।